मैकॉन लिमिटेड में बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। इसका जो हेड ऑफिस आपका डोरंडा रांची में है और इसका ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट जब स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। या फिर आप लोगों इसके वेबसाइट जो है www.mekonlimited.co.in, इस वेबसाइट हम लोग को चेक करते रहना है। और इसमें विभिन्न पदों पर रिक्रूटमेंट आई है और इसमें पहला जो आप देख सकते हैं MR सेक्रेटरीट, जो आपका एरिया रिक्रूटमेंट है वहाँ पोस्ट कोड 1 है। और इसमें जो है आपका जूनियर ऑफिसर MR सेक्रेटरीट के लिए रिक्रूटमेंट आई है और इसमें BA BSc के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका है मार्केट रिसर्च, इसमें आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रिसर्च 2B में आप देख सकते हैं DY एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च, 2C में एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च, 2D में एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च और 2E में सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च में इसका पोस्ट नंबर 2 है। और इसमें जो है आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग से, या फिर आपके पास अगर MBA है, PGDM है और आपके पास जो आपका कोर्स है आपका 2 साल का होना चाहिए इसके लिए। अगला जो आपका है इस्पात हॉस्पिटल, इसमें आपका जूनियर ऑफिसर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। जूनियर ऑफिसर में आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, आपको जो भी आप उसके साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन हॉस्पिटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। आपका जो कोर्स है 1 साल का होना चाहिए और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए आपका MBBS मांगा गया। आपका अगला जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जूनियर ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट आई है और यहाँ आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है आपका जो है उसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन होटल मैनेजमेंट में या फिर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में। और जो कोर्स है आपका 1 साल का होना चाहिए। और अगला जो आपका है IT में डिपार्टमेंट, इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए आपका रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका डिग्री मांगा गया है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर साइंस इंजीनियरिंग में। अगला जो आपका है कोयल एंड कोक ओवन, इसमें आपका जूनियर इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट आया है, आपका इसके लिए आपका डिग्री मांगा गया है इंजीनियरिंग से। अगला जो आपका है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, इसमें आपका जूनियर ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट आई है और आपका इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है, किसी भी डिसिप्लिन में आपका है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका है पद जूलॉजी माइनिंग एंड मिनरल बेनिफिशन, और इसमें आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट आई है और आपका इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन डिग्री इन मिनरल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट के पास है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है मटेरियल हैंडलिंग, इसमें आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट आई है और आपका इसके लिए जो है डिग्री मांगा है आपका मैकेनिकल इंजीनियर से। अगला जो का पद है मार्केटिंग, इसमें 2 पद रिक्रूटमेंट है आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए। और दोनों के लिए आपका आपके अगर कैंडिडेट के पास MBA है या फिर PGDM है और जो कोर्स है उसका 2 साल का होना चाहिए, तो अगर एक सबसे कोर्स करके रखें तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका रिक्रूटमेंट है HR डिपार्टमेंट, यहाँ पर ही आपका पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रिक्रूटमेंट है और यहाँ 6 पद पर रिक्रूटमेंट है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है और आपका जो है 1 साल का आपका स्टेनोग्राफर जो आपका इंग्लिश या फिर सिक्योरिटी सर्विस में होना चाहिए। अगला जो आपका है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आपका DR ऑफिसर के लिए आए हैं, इसमें 4 पदों पर रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में। अगला जो आपका है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में आपका रिक्रूटमेंट है, यहाँ आपका आपका DY ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट है, यहाँ 3 पद पर रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आप कैंडिडेट को BSc आपका मांगा है जो आपका केमिस्ट्री या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में होना चाहिए। अगला जो आपका है सिविल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट है, यहाँ आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 8 पद पर रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग मांगा है डिग्री से, और जूनियर इंजीनियर सिविल इसमें डिग्री भी आपका सिविल इंजीनियर मांगा है। अगला जो आपका 18 नंबर आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें भी आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। और अगला जो 19 नंबर में है DY इंजीनियरिंग, यहाँ सिविल, यहाँ पर ही आपका 7 पद पर रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका डिग्री मांगा है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न पदों के लिए विभिन्न मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है और उसके साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है। और इसमें मैक्सिमम जो आपका आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा तो आपका 3 साल का मैक्सिमम है। और जैसे इसमें आप लोग उनका सीट भी यहाँ पर देख सकते हैं और एज लिमिट भी आपका दिया गया है, तो अगर इतना बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ के आवेदन कीजिएगा और मैं इसका एडवर्टाइजमेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उतना बता के आप लोगों को फ़ायदा नहीं है। जो इसमें मेन पॉइंट था मैंने बता दिया क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो अरे चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है। इसमें जो आपका एज रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है 3 साल दिया जा रहा है OBC को नॉन क्रीमी लेयर वाले को, और STSC को 5 साल दिया जा रहा है, और डिसेबिलिटी कैंडिडेट को 10 साल दिया जा रहा है, जो अगर आप
अनरिजर्व से हैं। अगर आप डिजेबल है और ओबीसी कैंडिडेट है तो उसमें आपको 13 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप डिजेबल है और आप एसटीएससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें जो है आपको जैसे अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के जो है ये सबको 500 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा, और एसटीएससी पीडब्ल्यूडी एक्सर्विसमैन कैटेगरी को उसको कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा आपको। इसका सिलेक्शन आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगा, और आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें जो भी कैंडिडेट जाएंगे उसको जो है जो फ़ी लगेगा उसका आप लोन अगर जसीद उसे दिखाइएगा तो आपको उसके हिसाब से आपको फ़ी रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं इसका वेबसाइट www.mekonlimited.com.in, इस वेबसाइट में क्लिक करना, उसके बाद कैरियर में क्लिक करना, उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में, फिर उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक करके आवेदन करना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वैकेंसी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड डिटेल की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट मेकॉन में वर्क करना चाहते हैं इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।